अब तक भावनाओं के बारे में बात कर रहे थे, तो भावनाओं के बारे में बात करते करते हमने पहला भाग दूसरा भाग देख लिया। आज हम बात करेंगे तीसरे भाग पर। तो गए भाग में हमने देखा था कि भावनाओं का असर कैसा होता है आरोग्य पर। उस पर यह भी देखा था कि भावनाओं को अगर हम संभालना है और उसका असर जो होता है आरोग्य पर, वो कैसा संभल कर हम उसका असर कम कर सकते हैं, तबीयत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, हानिकारक न होने के लिए कैसा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इस भाग में हम देखेंगे भावनाओं का बदन पे इसा भावनाओं का बदन पे इफेक्ट जो होता है वो लंबे समय लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है, समझ लो 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद उसका असर रहता है या नहीं, और होता हो तो क्या होता होगा, किस ढंग से होता होगा। तो भावनाओं का लंबे समय का असर क्या होता है उस पर जरा गौर करेंगे, और उसके लिए कोई सुविधा है क्या, कुछ ढंग का सॉल्यूशन है क्या, वो कैसे संभाला जाए, उसके लिए कोई आइडियाज है क्या, उस पर भी थोड़ा गौर करेंगे। और बाद में ऑफ कोर्स रहेगा समरी। तो जब हम बात करते हैं लंबे समय का असर, भावनाओं का जो असर होता है लंबे समय के बाद क्या हो सकता है, इतना जारी है कि असर तो बदन पे जरूर होता ही है, उस पर कोई डाउट है ही नहीं। अगर किसी को जबरदस्त भावनाओं का शॉक लगे, उदाहरण बिना कारण मौत, जवानी में मौत, तो बाकी बचने वालों को काफी असर होता है, बहुत बड़ा धक्का बच सकता है और उस हिसाब से अपनी पूरी जिंदगी बदल सकती है। उसी तरीके के अगर किसी को बड़ा एक्सीडेंट हो जाए जवानी में, या छोटे उम्र में रेप हो जाए, हम रेप के बारे में जब बात करते हैं जनरली हम लेडीज के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन मर्द का भी रेप हो सकता है। जो भी होता है उसका असर क्या होता है, अभी हम उदाहरण लेंगे। मौत के बारे में बात करें तो दो उदाहरण लेंगे, समझ लो एक आर्म फोर्सेस का जवान ऑफिसर कोई भी हो, 25, 28, 30 साल का है, जवान बीबी है, खुशी खुशी रहते थे, सब हो गया, बॉर्डर पे चले गए, लड़ाई में चले गए, गुजर गए, देश के लिए अमर हो गए, लेकिन घर में बीबी बच्चे तो बच गए ना। अच्छा, वो बीबी को तो अकेले में ही पूरा संसार संभालना है, वो तो ऐसे सोचती नहीं है कि अभी आगे मैं क्या करूं, दूसरी शादी करूं, ये करूं, अब तो उसको वो दुख भरी जीवन में ही रहना है काफी सालों के लिए, और उसमें से अपना पूरा परिवार खड़ा करना है। हाँ, आर्म फोर्सेस वाले लोग कई ढंग से मदद करेंगे, लेकिन अपना जो शोहर खो गया है, अपना जो जिगर, अपना जो एक जीवन का टुकड़ा था वो खो गया है, उसका दुख तो कम नहीं कर सकते हैं, और उससे उनका जीवन बहुत बदल सकता है। कई लोग बिल्कुल हम जो कहते हैं सबमिसिव हो जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वैसे ही गुजर जाते हैं, वैसे ही अपनी जिंदगी बदल लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। कई लोग
सोचते हैं कि उनकी याद में हमें अपने बच्चे लोगों को बिल्कुल ठीक ढंग से करना है, उसके लिए अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा करके हट करके शायद वही आर्म फोर्सेस भी ज्वाइन करते हैं या कोई धंधा पानी नौकरी करके अपने परिवार को ठीक ढंग से लाइन पे लाते हैं। लेकिन उसी में बहुत बड़ा कष्ट होता है, ऐसी कोई आसान बात नहीं है। जब हम कोई भी परिवार की बात करते हैं और एक पालक न हो, जिसे हम सिंगल पेरेंट फैमिली कहते हैं, वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माँ हो या पिताजी हो, अकेले जब है तो दोनों का कारोबार संभालना पड़ता है, माँ भी होनी पड़ती है पिताजी भी होने पड़ते हैं। बच्चे को कमतरता नहीं लगनी चाहिए, उस हिसाब से जितना हो सके वो सोच के करके कोशिश करते हैं और उसमें उनकी पूरी जीवन धारा जो है बिल्कुल बदल जाती है। जो शायद पहले खुशी का मौका होता था जिंदगी में, वो अभी बड़े कष्ट का मौका हो सकता है। और ये मौका एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं, कई महीनों सालों की बात कर रहा हूं। और इतना सब करते हुए भी जब बच्चा बड़ा होता है और पूछता है मेरे पापा कहाँ हैं, मेरी मामा मम्मी कहाँ है, उस सवाल का जवाब देते देते गाड़ी पिसल जाती है। क्या कहे क्या न कहे, झूठ तो न बोले, सच बोलने की हिम्मत हो तो भी बहुत कष्ट होता है। इस दुनिया में वो रहते, ठीक है उनकी एक डेथ के बारे में बात ले ली। यही घटना अगर सिविलियन में किसी की हो तो वो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, ऐसी कहानी होती है। शायद सिविलियन लाइफ में सपोर्ट इतना ज्यादा नहीं मिल पाता है, शायद अगर रिश्ते वाले हो, काफी अच्छे दोस्त हो तो शायद मदद मिल जाती है, लेकिन सभी के नसीब में इतना नहीं होता। आजकल के दुनिया में तो सब पैसे के पीछे जाते हैं। दूसरी बात लो, समझ लो यही 40 साल का नौजवान बढ़िया खुशी खुशी रह रहा है, दो बच्चे हैं, बच्चे 8 10 12 साल के हैं, 15 साल के हैं, काम पर से आते वक्त एक्सीडेंट में ठोकर लग के मेजर एक्सीडेंट में अपाहित हो जाते हैं, पैरालाइज या डिसेबल्ड हो जाते हैं। अब क्या करें, बच्चे लोगों को, खानदान को तो उनकी देखभाल तो करनी है, दोस्त लोग रिश्ते वाले थोड़े दिन के लिए जरूर कुछ करेंगे, लेकिन अपाहिज हो गया डिसेबल्ड हो गया तो उनकी नौकरी चली गई, इंश्योरेंस बीमा हो तो शायद कुछ मिलेगा लेकिन वो भी थोड़ा पारी पैसा आ जाएगा, तो घर वाले को फिर नौकरी करना, पूरी जिंदगी बदल लेना, उनकी सेवा करना। अच्छा, कई साल सेवा करने के बाद कभी कभी इतना तंगाई होती है कि मैं सेवा करूं या नौकरी करूं या बच्चे की देखभाल करूं या बच्चे लोगों ने पढ़ाई करे या सेवा करे, ये तो विचार मन में चलते ही रहते हैं। और इतना सब संभालते हुए भी अपने पापा या मामा की सेवा करते रहते हैं। ये कोई आसान बात नहीं है। जो बाहर से देखते हैं उनको भी पता चलता है ये कोई आसान बात नहीं है, लेकिन वो भी कितनी मदद करे और क्या करे और कैसे करे, ये तो दो इंसिडेंट मैंने बताया जो इमोशनल ट्रॉमा होता है उससे रिकवरी करने में क्या करना पड़ता है और कैसे संभाले। लेकिन रेप जैसी चीज है जिसमें कुछ दिखता नहीं है और अभी भी अपने दुनिया में, विश्व में काफी लोगों को ऐसा ही लगता है कि अगर किसी का मेरा रेप हो या मेरी बहन का रेप हो या ऐसे कुछ चीज जब होती है तो पहला बात यही होती है, तुम वहां मरने क्यों गए थे। अरे मैं थोड़ी मरने के लिए गया था उधर अत्याचार होने के लिए, वो तो हो चुका। और रेप के बारे में दूसरा भी कहा जाता है, कोर्ट में जाना न जाना वो बड़ी मुश्किल होती है,
अच्छा, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो उससे मेरी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अगर मैं बिंदास लड़का या लड़की था तो मैं शायद घबर जाता हूँ, रात को कहीं जाने में दिक्कत हो जाती है, हिम्मत ही नहीं होती, मेरी पर्सनैलिटी बदल जाती है, मेरा शायद करियर खत्म हो जाता है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे कई चीजें हैं, मैंने एक दो तीन उदाहरण सिर्फ दिए हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ इमोशनल डैमेज जो होता है उससे अपनी जिंदगी उलट पलट हो जाती है और उस हिसाब से हमें संभालना काफी मुश्किल हो जाता है। काफी लोगों को रेप के बाद में लगता है हम जीना ही मतलब नहीं है, हम सुसाइड ही कर ले, तो वो विचार भी आते रहते हैं। ये तो मैंने वन शॉट इंस्टेंस की बात की, सडन अकरेंस, एक झटके में ये सब हुआ। अभी समझ लो स्लो कॉन्स्टेंट स्ट्रेस है, रोज रोज का कटकट है, घर पे या कहीं जाओ या काम पे हो, जहां कोई भी आपसे घड़ी घड़ी रोज रोज बड़े आवाज में बोलते हैं, घबरा देते हैं, तुमको घबराहट में ही रहना पड़ता है, सेक्सुअल अब्यूज है, अत्याचार है, घड़ी घड़ी आपको पनिशमेंट मिल रहे है, बचपना हो या ऑर्फनेज में हो या कहां भी हो, अपनी अवस्था में आपको पनिशमेंट सहना पड़ता है। उनके हिसाब से तुमने शायद गलती नहीं की होगी, उनके हिसाब से गलती है करके आपको पनिश करते हैं और उस हिसाब से आपकी तंदुरुस्ती में बदलाव आता है, आपकी पर्सनैलिटी में बदलाव आ सकता है। और ये दोनों कॉजेस से समझ लो, लॉन्ग टर्म कॉज या शॉर्ट टर्म कॉज जो भी हो, उससे जब अपना पर्सनैलिटी बदलाव आता है तो उससे तुम्हारी पूरी जिंदगी आप एक अलग ढंग के इंसान बन जाते हो। और वो इंसान कब कैसे बदले वो आप ही को पता नहीं, और आप वो घबराहट संभालना, सेक्सुअल अब्यूज का इफेक्ट संभालना, पनिशमेंट को संभालना, बोमा बोम करने वाले से संभालने के लिए आप नए ढंग की पर्सनैलिटी संभल कर ले जाते। दूसरी बात यह है, सबसे बहुत महत्वपूर्ण है कि काफी बार तुम्हें लगता भी नहीं है कि जो आपको बॉम्ब मार रहा था उससे आपको दिक्कत हो चुकी है, वो हम भूल जाते हैं क्योंकि वो काफी सालों से चल रहा है, तो आपको लगता है मैं वैसी ही हूं, वो बॉम्ब मार मार के, डरा के, डर के मारे या सेक्सुअल अब्यूज के मारे, अत्याचार के मारे या बहुत पनिशमेंट करने के हिसाब से मैं ऐसा बदल गया हूं, मैं ऐसी बदल गई हूं, ये ध्यान में नहीं आता है और इस हिसाब से तुमको लगता है मैं वैसी ही हूं या मैं वैसा ही हूं। तो लोगों के सामने जाते वक्त आप घबर घबर के जाएंगे, घबर घबर के बात करेंगे, किसी से आंख नहीं मिलाएंगे, किसी से बात करने के लिए डरेंगे, अकेले में जाने के लिए डरेंगे, रात को तो बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको जो हम कहते हैं तुम्हारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है, तो ये सब चीजें तुम्हारे भावनाओं पर असर होने के नाते आपकी पर्सनालिटी बदल जाती है। और इस पर्सनैलिटी बदलाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए कैसा क्या कर सकते हैं, इसका नतीजा क्या है? नतीजा तो हम देख रहे हैं, तो उसमें बदलाव कैसे लाए? अनदर केस अभी भारत में बड़े जोरों से चल रहे हैं, ये एसिड बर्न्स, जो किसी को बहुत फिदा हो जाता है एक लड़की पे, अगर उसको अपनी लड़की नहीं मिली, शायद वो लड़की उसे प्यार नहीं करती है, तो लेके एसिड जाके मुंह पे डाल दो। अभी ये कोई जिंदगी हुई? पदुकोण ने अच्छी मूवी बनाई है एसिड बर्न्स के बारे में, उससे कुछ थोड़ा तो लोगों को पता चला कि ये कितना गंभीर भाग है, कितना असर होता है, लोगों को कैसे दिक्कत होती है वगैरह वगैरह। बट ये तो सिर्फ देखने की बात है, करने वाले तो अभी भी पागल की तरह करते रहते हैं। अगर जो करने वाला है उसके पकड़ के हाथ ही काट डाला तो शायद कम लोग करेंगे। हमें कभी कभी लगता है ये तो बहुत कठोर पनिशमेंट हो गई,
लेकिन कभी कभी कठोर चीज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कठोर पनिशमेंट करना पड़ता है। लेकिन ये तो न्याय की बात हुई, मैं इधर न्याय देने नहीं बैठा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि भावनाओं का असर कैसा होता है। एक जो आज सुंदरी थी वो कल एकदम मुंह दिखाने लायक नहीं रही, क्योंकि किसी ने उसके चेहरे पे एसिड फेंक दिया। तो कैसा कैसी जिंदगी बिताएगी, कैसा जीवन होगा उसका, इस पर हम सोच भी नहीं सकते। विचार करना तो दूर की बात है। तो ऐसे चीजें जब हम देखते हैं, जब हम महसूस करते हैं, जब लोग सह के उस पर जिंदगी चला लेते हैं, तभी पता चलता है कि उसमें कितनी दिक्कत होती है और उस व्यक्ति का पूरा जीवन कैसा बदलाव आ जाता है। हॉस्पिटल के चक्कर तो काटने ही पड़ेंगे, वो एसिड बर्न निकालना, सर्जरी करना वगैरह, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में क्या होता है भावनाओं के हिसाब से। सुंदरी तो चली गई ना, प्यार करना तो दूर हो गया, प्यार से डर लग गया, किसी से भी वो प्यार नहीं करेगी, जिंदगी नहीं चलाएगी, पूरी जिंदगी खोखला हो गया। तो इस पर जरा समझना बहुत जरूरी है कि हमारे एक्शन से लोगों को इमोशनल डैमेज कैसा होता है, तो भावनाओं पे खेलने से कैसा नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है लोगों के एक्शन के हिसाब से, ये समझना जरूरी है। लोगों को दिखने के लिए सिर्फ एसिड बर्न्स दिखते हैं, लेकिन वो एसिड बर्न्स का इफेक्ट क्या है उस पर भी जरा गौर करो। तो ये जब हम कहते हैं, अभी मैं बता रहा था कि लंबे समय का जब आपको भावनिक दिक्कत होती है तो उससे तुम्हारी पर्सनालिटी बदल सकती है। अगर ये भावनिक, लंबे समय का भावनिक दिक्कत बचपना में हो जाए, बढ़ती उम्र में हो जाए, तो उससे आपको बिहेवियर चेंज होता है, मतलब आपका पूरा बर्ताव, किस ढंग से सोचे, किस ढंग से हिसाब करे, किस ढंग से लोगों से बिहेव करे, अपनी कौन सी वृत्ति जीवन में रखे, कौन से सिचुएशन को ले कैसे किस ढंग से बिहेव करे, ये सब बदल जाता है। हमें उम्मीद ही नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते। काफी लोगों को बुरे सपने आते हैं, काफी लोगों को अलग-अलग ढंग के बिहेवियर होते हैं। अगर वो किसी से डर के मारे सामने, समझ लो उन्होंने, उन पर किसी ने अत्याचार किया, जो मुच्छड़ वाला है, मेरे जैसे बड़े बड़े मुच्छ वाला, जब तक उनके सामने कोई मुच्छड़ नहीं आता है वो ठीक चलते हैं। मुच्छड़ वाला आ गया तो एकदम झटका आने लगता है, उनको नजर नहीं मिलाते, घबर जाते हैं, बात नहीं करेंगे वगैरह, क्योंकि उनको उसकी याद आती है कि यह आदमी भी वैसा हो सकता है, भले वो नहीं हो लेकिन उनकी सोच में वो जुड़ा हुआ है कि ऐसी व्यक्ति ऐसे ही चीजें करते हैं, बड़ी मूछे वाला दादागिरी जैसा लगता है, डेंजर है। उस हिसाब से वो इंसान खुद को अपने अपनी तरीके से, हम जो कहते हैं लिमिटेशंस इन लाइफ, खुद के लिए बना देते हैं। एक उदाहरण देना तो, शाम को बाहर नहीं जाएंगे, अंधेरे में नहीं रहेंगे, जहां भी सोना है बत्ती लगा के सोएंगे, दिन में ही कहीं बाहर जाएंगे, बाहर जाते वक्त कहीं अपरिचित जगह जाना हो तो किसी के साथ ही जाएंगे, भले वो कोई स्त्री हो लेकिन स्त्री के साथ जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। इंटरव्यू के लिए जाना है मतलब उनमें घबराहट हो जाती है, तो ऐसे चीजें असर होके उन पर दिक्कत आ जाती है। अच्छा, ये सब जो बर्ताव जो है, वो बर्ताव में कभी कभी यहां तक पहुंच जाता है कि जब भी आगे कुछ करने की बात करे, सोचे, तो पहला उनको डर होता है कि ये नया कुछ झमेला ना हो जाए। वो नया झमेला ना हो जाने के हिसाब से काफी कुछ बंद कर देते हैं दरवाजे। समझ लो मेरे जैसा मुच्छड़ मिलने गया, अच्छा आदमी है, वो मिलना ही नहीं चाहेंगे,
क्योंकि उनको मुच्छड़ आदमी से डर है। तो भले उनका फायदा हो या ना हो, वो मिलने से इनकार कर देंगे, क्योंकि उनके मन में इतना पक्का बैठ गया है कि मुच्छड़ वाले लोग डेंजर है, तो हम उनसे मिलने के ही राजी नहीं होंगे, क्योंकि मिलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, मुझे डर आ जाएगा, इसके लिए न मिलना ही अच्छा है। तो हम सेफ्टी इन बिहेवियर टू एंश्योर न्यू इश्यूज आर नॉट क्रिएटेड, टू एंश्योर नो न्यू इश्यूज आर क्रिएटेड। तो ऐसे करने से अगर दूसरी दिक्कत पैदा हो जाए, वो न होने के लिए हम ये करेंगे ही नहीं, ऐसा ही बर्ताव करेंगे। तो ऐसे काफी काफी गंभीर चीजें उनके बिहेवियर में, उनके पर्सनैलिटी में, उनके आचरण में होते रहता है, जो हमें नहीं दिखता है। और उस हिसाब से वो दुनिया इतनी बड़ी है, लेकिन वो दुनिया के छोटे से कोने में ही जीना जीने की ख्वाहिश रखते हैं, क्योंकि उसके बाहर जाएंगे तो डेंजर है, उनकी दुनिया बहुत छोटी बना लेते हैं। अच्छा, जब हम भावनाओं का असर लंबे समय की बात कर रहे हैं, ये तो एक दो साल की बात नहीं, 5, 10, 15, 20 साल, 25 साल की बात कर रहे हैं, तो उदाहरण फिर रेप का लेते हैं। अगर मेरे बीबी को किसी ने रेप किया होगा जवानी में, उसने मुझे बताया नहीं, कुछ नहीं, अभी हमारा जीवन ठीक से चल रहा है, लेकिन जब हमारे बच्चे बड़े होने लगेंगे, तो मेरी बीबी बच्चे लोगों को बहुत संभल के रखेगी, कहीं भी किसी के पास भी जाने नहीं देगी अकेले में। उसको थोड़ा भी मन में लग गया कि इधर रेप हो सकता है, तो बिल्कुल वहां मना कर देगी। उसका मतलब हुआ वो बच्चे लोगों को भी कंट्रोल करना शुरू करेगी, क्योंकि उसको बच्चे लोगों को प्रोटेक्शन देना है, सेफ रखना है। लेकिन वो उसके मन से है, उसके मन में उसके एक्सपीरियंस के विचार के हिसाब से वो चलाती है। ये तो ऐसे ही हुआ ना, मैं गांव में था, गांव में बैलगाड़ी में बैठता था, अभी मैं शहर में आ गया, बस में बैठना, रे बस आके ठोक देगी यार, बस के करीब मत जाओ, वो तो बड़ी तेज चलती है, तो बस से दूर ही रहो। ऐसी बात हुई, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए वो रिस्क लेना ही नहीं चाहती, उनको सेफ रखने के लिए वो जो जरूरी है वो करेगी। अगर इतना लोगों का कहना है, स्टैटिस्टिक्स में बताया गया है कि जो रेप होता है, सेक्सुअल अब्यूज होता है, काफी कुछ सेक्सुअल अब्यूज के आंकड़े ऐसे हैं कि पहचान वालों में ही होता है ज्यादा से ज्यादा, वो घर वाले हो, रिश्ते वाले हो, दोस्त हो, वगैरह वगैरह। तो शायद मेरी बीबी सोचेगी कि हमारे रिश्ते वालों से दूर रहो, क्योंकि रिश्ते वाले डेंजरस हो सकते हैं, पहचान वाले डेंजरस हो सकते हैं, तो उस हिसाब से मेरे फैमिली का माहौल रहेगा कि किसी रिश्ते वालों के पास जाके रहना नहीं है ज्यादा दिन। अगर बच्चे लोगों के मामा चाचा बोले कि हमारे पास आके छुट्टियां मनाओ, तो नहीं करने देगी, वो बोले नहीं नहीं ये नहीं होगा, हम जाएंगे, पूरा खानदान जाके हफ्ता रहेगा, लेकिन बच्चे लोगों को 15 दिन के लिए अकेले में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसके पूरे बदन में डर है, डर इस बात का कि मेरे बच्चे को क्या हो सकता है। शायद इस माहौल में कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन उसका डर भी सच है, और वो अपने हिसाब से बच्चे लोगों को वैसा माहौल में डालना ही नहीं चाहती। सो अभी देखो मेरे बच्चे लोग कैसे बड़े हो जाएंगे, मेरे बच्चे लोग कभी भी अकेले में कहीं नहीं जाएंगे, उनकी 15, 20, 21, 25 साल की उम्र तक, एक बार बड़े हो गए तो शायद जाएंगे। उससे माहौल कैसा होगा, वो बच्चे लोगों को लोगों से, बढ़ते उम्र में लोगों से इंटरेक्ट करने की आदत ही कम होगी। हम अपने रिश्ते वाले, पहचान वाले, इनसे ही ज्यादा मिलके आदत करते हैं ना, कैसे बात करें, बच्चे लोगों से कैसे, औरत से कैसे बात करें, बड़े से कैसे बात करें, छोटे से कैसे बात करें, सोच विचार करते हैं वगैरह वगैरह। ये तो उसको आदत ही नहीं होगी, तो आदत नहीं होगी तो जब आप
बड़ी दुनिया में जाएंगे तो उनको एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा कि इनसे कैसे बात करें, मुझे नहीं पता इनके कैसे, तो पूरा नया सीखना पड़ेगा। और ये हमारे बर्ताव से है, लेकिन हमारा बर्ताव क्यों है? क्योंकि मैंने जो खोया था, मैंने जो दिक्कतें पाई थी, मुझे जो रेप या जो भी हुआ था, उसके हिसाब से मैं मेरा जीवन चला रहा हूं, और उस हिसाब से मेरी परिवार की देखभाल करने के लिए मैं उस पर ज्यादा गौर कर रहा हूं। उस हिसाब से मैं घड़ी भी कभी भी मेरे परिवार की देखभाल करने में कमतरता नहीं करूंगा या करूंगी। ऐसे माहौल में तुम तुम्हारे करियर को अलग ढंग से चॉइस भी दोगे कि शायद आपको लोगों से काम नहीं करना पसंद है तो आप अकेले वाला काम लोगे, जहां आर्किटेक्ट हो खुद अकेले बैठ के ड्राइंग करते बैठेंगे, क्रिएटिव आर्टिस्ट हो अकेले में कुछ करेंगे, प्रोग्रामर हो अकेले में कुछ करेंगे, अकाउंटेंट है अकेले में कुछ करेंगे, तो लोगों से दिक्कत नहीं है, कम से कम दिक्कत आएगी। तो ऐसी अपनी वो पर्सनैलिटी बदल जा सकती है, ऐसे ही होता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि औरत जात वीक है, लेकिन उस इतनी कठिनाइयां होती है भावनिक डैमेज से कि उस हिसाब से उसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, और जो बाहर नहीं निकल पाते उनके ये हाल होते हैं, और ये किसी को बताने जाने वाली बात नहीं है, वो खुद अपना जीवन वैसे ही जी लेते हैं। तो लंबे समय के भावनिक डैमेज के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहले तो हमें सोचना है कि हम असलियत को जान लें। असलियत क्या है? जो मेरी असलियत 20 साल पहले थी जब मैं डैमेज हो गया था, वो बात अलग है, आज की असलियत क्या है? फिर आज के चैलेंजेस मैं कैसे संभाल सकता हूं, किस ढंग से उसको मैनेज कर सकता हूं, जो भी मेरे सामने प्रॉब्लम्स है उसको मैं किस ढंग से सेफली संभाल सकता हूं, बिना ज्यादा रिएक्ट करे या कम भी रिएक्ट करे, असलियत में देख के। मेरे खुद के परिवार में मेरी बीबी है, उसको रेप हुआ था, 15 साल की थी तभी, अभी मैंने उसको संभाल लिया है, हमारा जीवन सब ठीक चल रहा है, तो उसको ये सोचने का मौका है कि अभी मैं सक्सेसफुली कैसे नया जीवन बनाऊं, पुरानी बातें भूल के, क्या मैं कर पाऊंगी, क्या ये पॉसिबल है, उसके लिए कितना कष्ट पड़ेगा और वो कहां तक कर पाऊंगी, उसके बारे में। काफी लोग, मर्द हो या औरत, गांव छोड़ के चले जाते हैं, दूसरी जगह जाके काम करते हैं, कभी कभी तो अपना नाम भी बदली कर लेते हैं और एक नई जिंदगी शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। ये एक आइडिया है जिससे काफी लोगों को फायदा हो सकता है, लेकिन वो जब नई आइडेंटिटी शुरू करते हैं उनको वो बर्ताव लाना जरूरी है, वो नया माहौल करके नई ढंग से जीना जरूरी है, फिर उसका पूरा फायदा होगा। अगर हम नया नाम ले लिया लेकिन वैसे ही रहने लगे, वही ढंग से रहने लगे, तो क्या हो, ज्यादा फर्क नहीं होगा। अपनी पूरी ताकत लगा के, अपने पास जो भी स्किल्स है, अपने पास जो भी ताकत है, अपने पास जो भी विचार है, वो पूरा लगा के हम अपनी सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश करना जरूरी है। और इंसान को एक चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए, कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जब भी हमें लगता है कि हमें हमारी ताकत कमजोर पड़ रही है, तो अपने बदन में ताकत इतनी है कि हमें ही पता नहीं कितनी अपनी ताकत है। तो हम जो कहते हैं अनअर्थ द हिडन क्वालिटीज, कि अपने में झांक के देखो कि मेरी ताकत कितनी है और वो ताकत मैं किस ढंग से इस्तेमाल करके मैं बदलाव ला सकता हूं, मैं किस ढंग से वो बदलाव ला के मेरे में परिवर्तन करता हूं, और वो परिवर्तन करने से मैं एक नया इंसान, नई औरत, नया मर्द बन सकता हूं और मेरे जीवन को बदलाव लाता हूं।
तो आखिरी में इतना ही कहना है कि भावनाओं का लंबे समय का जो भी असर होता है वो समझ लो, असलियत को संभालो, असलियत को समझ लो, जो आपके सामने चैलेंजेस है उसको देखो और उसको संभालने की कोशिश करो, जो इश्यूज है वो इश्यूज को संभालने की कोशिश करो और वो सेफली करने की कोशिश करो, आपको दिक्कत ना हो जाए। अगर आप में बदलाव आ रहा है तो बदलाव को संभाल के सक्सेसफुली यशस्वी होने के लिए क्या करना जरूरी है उस पर गौर करो। अगर एक नई आइडेंटिटी बनानी है तो नई आइडेंटिटी कैसे बनाए, क्या बनाए उस पर देखो। जो भी आपके पास ताकत है, जो आपको पता नहीं है, उसको खोजो और खोज के उस पर गौर करके उसको सुधार करके उसका इस्तेमाल करके आप एक नया जीवन शुरुआत करो। उससे आपको बहुत सुख मिलेगा, पुरानी बातों से भूल के नए चीजों में आपका प्रवेश होगा, नए लाइफ में प्रवेश होगा और आपको शायद काफी शांतता मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी और आपका जीवन सुधर जाएगा। अभी हमने काफी कुछ बातें की, लंबे समय का भावनिक दिक्कतों से संभालना कैसा है, किस ढंग के होते हैं, उससे क्या क्या करने से परिवर्तन ला सकते हो, अपने में हिडन ताकत कितनी है जो हम जानते नहीं, ये सबको समझने के बाद डूइंग के बारे में जब है कि हमको ये तो जाना नहीं है लेकिन इतना तो समझना है कि ऐसी चीजें दुनिया में है, तो अगर मुझे कुछ नहीं हुआ है तो ठीक है, लेकिन मैं संभल के अभी ध्यान देखूंगा कि अगर किसी को कुछ ऐसा हो रहा है तो उनकी सेवा कर सकता हूँ क्या, उनके लिए कुछ थोड़ी बार मदद कर सकता हूँ क्या, और कर सकता हूँ तो मुझे वो पता है इसके लिए मैं उसके लिए ज्यादा सेवा अच्छे ढंग से करूंगा और वही सेवा मैं ठीक ढंग से करूंगा, उनकी भी भलाई होगी, मुझे भी शांतता मिलेगी। अगर मेरे को ऐसे कोई चीजें हो चुकी है, रेप या एक्सीडेंट या ऐसा कुछ, और मैं उसमें अटका हुआ हूं, तो उसमें ये समझने के बाद शायद मैं मेरी ताकत इस्तेमाल करके नया व्यक्ति बनने की कोशिश करूंगा और ये सब करते करते मेरा जीवन बदल जाएगा, यशस्वी हो जाएगा और यशस्वी होने के नाते मेरी तंदुरुस्ती थोड़ी बढ़ जाएगी, शायद सुधर जाएगी। उम्मीद है कि इसका फायदा होके मैं मेरा जीवन सुधर सकता हूं। अभी थोड़ा सा मेरे बारे में, मैं पुणे में होता हूँ, एक्यूपंक्चर निसर्ग उपचार का क्लिनिक चलाता हूँ, सूर्य नमस्कार सिखाता हूँ, हमें सिखाने के लिए 8 घंटे लगते हैं, 8 हफ्ते में, हफ्ते में एक बार 1 घंटे का क्लास होता है। हमारा सूर्य नमस्कार 70 प्रकार के लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी है और उस हिसाब से हम हर व्यक्ति को जितना उनका उनकी कुवत है, उनकी कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से हम सिखाते हैं। हम निसर्गोपचार को साइंटिफिक बेसिस पे लाने की कोशिश जारी है। मैं शिवाम्बू का तज्ञ होने के नाते शिवाम्बू का प्रचार करता हूँ। गए 4-5 सालों से मैं ऑनलाइन क्लिनिक लोगों को फायदा करने के लिए मदद की हिसाब से करता हूँ। अगर किसी को कोई सवाल हो तो मुझे ईमेल पे कांटेक्ट करें और मैं उनसे सलाह जरूर दूंगा। आजकल 4-5 सालों से पूरे विश्व में लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं और काफ़ी लोगों को फायदा हो चुका है। अभी जो मैं ये मालिका चल रही है, ये 2 महीने से चल रही है और आप लोगों ने अच्छा प्रतिसाद दिया है, उस प्रतिसाद के हिसाब से हमारा भरोसा बढ़ गया है और अभी हमें लगता है कि हम अगले 2 महीने के जो ये मालिका चलती रहेंगी हर हफ्ते में 1 वीडियो, उसका भी आप फायदा लोगे और अपनी तबीयत तंदुरुस्त होने के लिए, निरोगी रहने के लिए, निरोगी बनाने के लिए कोशिश जारी रहेगी, ऐसी उम्मीद है। यहाँ मैं आप समाप्त करता हूँ और 1 हफ्ते में फिर मिलेंगे। नमस्कार। स्वास्थ्य के बारे में इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम आपके आभारी हैं। यह मालिका 15 से 22 भाग की है। इसमें अपने शरीर को
तंदुरुस्त बनाने के लिए मदद होगी। ये मालिका आपको ज्ञान और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मार्गदर्शक बनेगी। हमारी ऑनलाइन शैक्षणिक और सपोर्ट सुविधा आपके स्वास्थ्य संवर्धन के लिए प्रस्तुत है। आपके संबंधित प्रश्न ईमेल कीजिए। आपको संक्षिप्त में हेल्थ सायरन की खबर और हमसे जुड़ने की जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। डाउनलोड ऐप हेल्थ सायरन फॉर ऑल हेल्थ सॉल्यूशंस एट योर डोरस्टेप।